ऑपरेटिंग सिस्टम, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड नॉट ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं, प्लीज डोंट रिपीट क्वेश्चन, इसका क्या मतलब होता है प्लीज डोंट रिपीट क्वेश्चन का? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन्स। सो ऑप्शन थ्री इज राइट। अब आप लोग देखिएगा आपका आज के क्वेश्चंस में कितना सही होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन थ्री कर रहे हैं, टू कर रहे हैं, टू इज रॉन्ग, ठीक है, मतलब ऑप्शन थ्री इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स, टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्वेश्चन सबको दिख रहा है, सब लोग आंसर कर रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है। टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स, टाइम शेयरिंग प्रोवाइड्स व्हाट? डिस्क मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। कंकरेंट एग्जीक्यूशन। टाइम शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज मल्टी टास्किंग। टाइम शेयरिंग को ही क्या कहा जाता है? मल्टी टास्किंग मीन्स मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, एक साथ मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होता है, उसे मल्टी टास्किंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी टास्किंग, कंकरेंट का मतलब होता है एक साथ। एक साथ कहने का मतलब होता है कि सीपीयू जो है वो प्रोसेसर क्या करता है, मल्टीपल टास्क के बीच में स्विच होता है और फिर मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट करता है। टाइम शेयरिंग और रियल टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। टाइम शेयरिंग में प्रोसेसर क्या करता है, अपने अपना अटेंशन कई टास्क पर देता है। जैसे साइमल्टेनियसली एक साथ आप कई टास्क ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप एक एक सॉन्ग, एक ऑडियो प्ले कर सकते हैं और साथ में दिलीप सिंह जी पोल करा दीजिए। दिलीप सिंह जी इस पे आप आंसर करिए ना, क्या दिक्कत क्या है आपको? आप यहाँ देखिए, आपको पता होना चाहिए कि टाइम शेयरिंग में क्या होता है। तो इंटायर प्रोसेसर टाइम इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस। इंटायर सीपीयू टाइम इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ प्रोसेसेस। बहुत सारे प्रोसेसेस में टाइम को डिवाइड कर देना, ठीक है, और सब पे स्विच करना, मतलब सभी टास्क पे स्विच करना, ये क्या है आपका? कंकरेंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो टाइम शेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। केवल आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पे, ठीक है, केवल क्वेश्चन पे फोकस करिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? स्कैन द सिस्टम, प्रोवाइड अ कनेक्टिविटी, मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, ऑल ऑफ द अबव। आप यहां पर देखिए, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम का स्कैन करता है? ये तो गलत लिखा हुआ है। क्या कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है? बिल्कुल नहीं करता है। मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर इज द राइट आंसर। ऑप्शन थ्री क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करना, ठीक है। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड तो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है यहां से। मैनेजिंग द सिस्टम हार्डवेयर, ओके, सो ऑप्शन थ्री इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज टू। मतलब है एक ही क्वेश्चन, अलग 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 टाइप से आपसे पूछा गया है, ठीक है।
प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज दैट मैनेज रिसोर्सेस। ऑप्शन टू बिल्कुल सही है, जिसका भी ऑप्शन टू बिल्कुल सही, मैनेजिंग द रिसोर्सेस आर द प्राइमरी जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाई, द टर्म टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाई। टाइम शेयरिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाई मल्टी टास्किंग। टाइम शेयरिंग को रिप्लेस किया क्या, किसके द्वारा किया गया, मल्टी टास्किंग सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क एंड आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव, मेमोरी मैनेज करना, ठीक है, एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग ऑल द मेमोरीज, वेदर इट इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेस मैनेजमेंट लाइक शेड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेसेस, प्रोसेसर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सीपीयू, डिस्क एंड आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में एक ही है बट ऑप्शंस क्या है, अलग अलग है। मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, टू अलाउ पीपल टू यूज द कंप्यूटर, टू कीप सिस्टम्स प्रोग्रामर्स एम्प्लॉयड, टू मेक कंप्यूटर्स इजियर टू यूज। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द प्राइमरी पर्पस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज, प्राइमरी पर्पस इज टू मेक मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, टू मेक द मोस्ट एफिशियंट यूज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन वन इज राइट। प्राइमरी पर्पस ये है कि हार्डवेयर का मोस्ट एफिशियंट यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, यूटिलिटीज, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है सिस्टम के रिसोर्सेस को, सिस्टम के रिसोर्सेस को यूज करना मोस्ट एफिशिएंटली, सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक है ही सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंपाइलर है बिकॉज यूजर प्रोग्राम इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाई द सिस्टम, तो उसे हाई लेवल प्रोग्राम्स को, हाई लेवल प्रोग्राम्स को लो लेवल में कन्वर्ट करना, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, तो ये काम है कंपाइलर का। यूटिलिटीज क्या है, यूटिलिटीज है जैसे ड्राइवर्स, ड्राइवर्स इवन बहुत सारा ऐसा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, विदाउट ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम उससे उसके साथ इंटरफेस इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो यूटिलिटीज आर ड्राइवर्स
antivirus programs, etc. are utilities. Okay, so all of the above is right. Next question. A process having multiple threads of control implies. A process having multiple threads of control implies more than one task at a time, only one task at a time, but much faster, only one thread per process. एक क्वेश्चन आया कि सर यूटिलिटी कैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. अगर आप एक बात समझेंगे, यूजर के किसी प्रॉब्लम्स को, यूजर के प्रॉब्लम्स के लिए जो भी प्रोग्राम होगा वो एप्लीकेशन होगा. ठीक है, यूजर के किसी भी टास्क को हैंडल कर रहा है या यूजर के लिए अगर कोई भी काम कर रहा है तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा. बट यहाँ पर जो भी सिस्टम के टास्क को हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो वो वहां पे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा. इसमें प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड. अब आपको मैंने थ्रेड के टाइम में एक चीज बताया था कि थ्रेड अ प्रोसेस कैन हैव अ सिंगल थ्रेड, मतलब एक प्रोसेस के सिंगल थ्रेड भी हो सकता है. थ्रेड कैन बी कंसिडर्ड एज अ टास्क, कि एक टास्क है. मतलब थ्रेड बेसिकली क्या है, थ्रेड एक इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म है, किसके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कि इंटायर प्रोग्राम्स को, एक प्रोसेस को थ्रेड्स में डिवाइड कर देना, सो दैट कि थ्रेड्स को कम रिसोर्सेस में भी एग्जीक्यूट किया जा सकता हो. प्रैक्टिकली इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरा प्रोसेस जो है रिक्वायर मोर रिसोर्सेस, द इंटायर प्रोसेस रिक्वायर मोर रिसोर्सेस. तो यहाँ पर सिंगल थ्रेड या मल्टी थ्रेड मीन्स व्हेन अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू थ्रेड्स, डिवाइडेड इनटू वेरियस थ्रेड्स, तो थ्रेड्स अगर कम रिसोर्सेस भी है तब भी थ्रेड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसको हम एग्जीक्यूशन यूनिट भी कहते हैं, एक एक यूनिट भी हम कह सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि थ्रेड सिंगल थ्रेड प्रोसेस भी हो सकता है और मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस भी हो सकता है, मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस भी हो सकता है. तो यहां पर अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल इंप्लाइज मोर देन वन टास्क एट ए टाइम. मल्टीपल थ्रेड का मतलब मोर देन वन टास्क एट अ टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थ्रेड, फिल इन द ब्लैंक्स. बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. कुछ लोग आप में से ऐसे निगेटिव है ना कि 30 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, 10 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा भी सब्र नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं फास्ट चलिए, कुछ लोग स्लो चलिए, थोड़ा सब्र रखिए भाई. अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो, पहला ऑप्शन है. लाइट वेट प्रोसेस वेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई. बेसिकली एक प्रोसेस को थ्रेड में इसलिए ही डिवाइड किया जाता है कि जहां पर, एक तो पहली बात यह है कि कम रिसोर्सेस में ही उसे एग्जीक्यूट किया जा सके. कम रिसोर्सेस में एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है, थ्रेड आप ऐसा समझिए ना कि आपके सामने बहुत सारा काम है, 10 काम है, उसमें से एक काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया. ऐसा समझिए कि एक बड़ा सा काम है, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया. तो यहाँ पर एक बात समझना है आपको कि ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई एक थ्रेड जो एग्जीक्यूशन के स्टेज में है और एग्जीक्यूट हो गया, तो दूसरा थ्रेड तब तक क्या रहता है, रेडी स्टेट में रहता है. तो स्टेट में चेंजिंग,
मतलब एग्जीक्यूशन स्टेट आप समझते हैं ना, प्रोसेस स्टेट्स आप समझते हैं, स्टेट ऑफ द प्रोसेस, न्यू रेडी रनिंग वेटिंग टर्मिनेटेड। अगर इस पॉइंट को आप ठीक से समझते हैं तो कई सवाल तो यहां से कवर हो जाता है। न्यू का मतलब होता है जब न्यू एक प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। अब यहां पर समझना है कि रेडी मतलब रेडी फॉर मेन, रेडी जो वेट कर रहा है मेन मेमोरी में, वेटिंग फॉर द प्रोसेसर। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब होता है कि जब एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में स्विच करता है, मतलब फास्ट तरीके से स्विच करता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई, मतलब व्हेन देयर आर मल्टीपल थ्रेड। और ऐसे सिचुएशन में थ्रेड का क्या होता है, एक एक प्रोसेसर जो है मल्टीपल थ्रेड्स यूज ही क्यों करता है, मल्टीपल थ्रेड्स इसलिए यूज करता है, मल्टीपल थ्रेड्स इसलिए यूज करता है कि वो मल्टीपल आप जो है प्रोग्राम्स को या मल्टीपल टास्क को फास्ट तरीके से एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो यहां पर अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोग्राम विच इज अंडर एग्जीक्यूशन। 9 का आंसर था थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई, मतलब व्हेन देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स और थ्रेड्स के एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में चेंज होना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोसेस, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स द पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, ईच थ्रेड, ईच इंस्ट्रक्शन, ईच एड्रेस। प्रोग्राम को प्रोसेस कैसे, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन के दौरान होता है वही तो प्रोसेस बनता है। ओके, मैं देख रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। अब ठीक हुआ क्या? अब आपको दिखा क्या क्वेश्चन नंबर 11? ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स पेज टेबल फॉर ईच प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 शो हो रहा है आप लोगों को? यस। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स सॉल्विंग कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स by breaking them into smaller parts that are separately processed by different computers is known as distributed processing. Distributed processing means solving computing problems by breaking them into smaller parts that are separately processed by different computers. So option B is right. Okay. Question number 13. Compatibility in regard to computers refers to compatibility is software running with the other previously installed hardware. Okay. Compatibility in regard to computers refers to सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर मीन्स जैसे होता है ना कि क्या आप लोगों को साउंड वगैरह नहीं आ रहा है क्या, बताइए क्या साउंड आ रहा है आप लोगों को? जब आ रहा है तो आप लोग पता नहीं क्या मैसेज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इससे क्या हो जाएगा बताइए? मैसेज करने से क्या हो जाएगा? यहाँ बताइए, कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि सपोज आपके आपका जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेट अस सपोज कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 7 या विंडो 8 व्हाटएवर, और उसके बाद आप उस पर एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एमएस ऑफिस उस पर प्रॉपरली रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये कंपैटिबिलिटी होता है। या आप मान लीजिए कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं और जो पहले से सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो यहां पर आप समझिए कि दोनों
सॉफ्टवेयर प्रॉपरली रन करना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर रनिंग विद अदर प्रीवियसली इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर, इसको हम कहेंगे कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बीइंग एबल टू रन ऑन योर कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। ध्यान दीजिए, इसको क्या कहा जाता है, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हर सॉफ्टवेयर को कुछ एक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं सभी सॉफ्टवेयर्स की, कि इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 GB का रैम होना चाहिए या 4 GB का रैम होना चाहिए, ठीक है, या इतना स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, द सॉफ्टवेयर बीइंग एबल टू रन ऑन योर कंप्यूटर, दिस इज कॉल्ड पोर्टेबल, इसको क्या कहा जाएगा, पोर्टेबल कहा जाएगा, पोर्टेबिलिटी कहा जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पोर्टेबिलिटी एंड कंपैटिबिलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में एक छोटा सा सवाल पूछा गया आपसे, VDT मतलब क्या होता है, VDT मींस, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, VDT stands for video display terminal. Question number 15, super computer developed by Indian scientists, उसका क्या नाम है, super computer developed by Indian scientists, परम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय सीडेक आपको पता है कहाँ पर है, पुणे में है, और सीडेक कंपनी किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका मतलब क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्लियर। तो सीडेक याद रहेगा, सीडेक कहां पर है, पुणे में है, ओके, सीडेक कहां पर है, तो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंप्यूटर यूज्ड एज सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स, इट इज कॉल्ड, अ कंप्यूटर यूज्ड एज सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जहां पर एक सिस्टम के साथ एक बारकोड रीडर अटैच रहता है जो प्रोडक्ट के बारकोड को रीड करता है, तो उस पूरे सिस्टम को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल कहा जाता है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 17 सबको शो हो रहा है तो बताइए। चलिए तो यहां पर सुपर कंप्यूटर्स आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कॉमनली इन मेजोरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स आर रेयरली यूज बाई रिसर्चर्स ड्यू टू देयर लैक ऑफ कंप्यूटिंग कैपेसिटी आर स्मॉलर इन साइज एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी देन मेन फ्रेम। यहाँ पर आपको समझना है सुपर कंप्यूटर्स आर कंटेन थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, सुपर कंप्यूटर्स कंटेन्स थाउजेंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी। थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन थ्री इज राइट। थ्रेड शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इज डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड्स थ्रूपुट टाइमर्स रिसोर्सेस बोथ वन एंड टू। एक क्वेश्चन आया है कि सर पीओएस और डंब टर्मिनल में क्या डिफरेंस होता है, पीओएस एंड डंब टर्मिनल में क्या डिफरेंस होता है। पीओएस क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम होता है। कंप्लीट सिस्टम मतलब इट हैज ऑल द रिसोर्सेस, इट हैज ऑल रिसोर्सेस लाइक सीपीयू मॉनिटर ओके बारकोड रीडर एवरीथिंग ऑफ इट्स ओन, तो ये पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है। लेकिन डम्ब टर्मिनल क्या है, इट हैज नो प्रोसेसिंग कैपेसिटी। जो एक ऐसे से कई डम्ब टर्मिनल होते हैं जैसे D1, D2, D3, ये केवल और केवल क्या होते हैं, एक सिस्टम या मॉनिटर हो गए ठीक है या कियोस्क हो गए, बट सबका प्रोसेसर जो होता है वो एक ही होता है। मतलब यहाँ पर सिंगल क्या होता है, प्रोसेसर होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डम्ब टर्मिनल कहेंगे। डम्ब टर्मिनल जो है, डम्ब टर्मिनल के पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होता है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सबको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा रिसोर्सेस। अ प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन नीड्स रिसोर्सेस, किसी भी प्रोसेस को क्या चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस क्या है, एनी इंटरनल कंपोनेंट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड रिसोर्सेस। कोई भी कंपोनेंट है या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिसोर्सेस। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वन ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक्स इज वन ऑफ प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। क्या होगा आंसर? देखिए यहां पर जो लोग दो आंसर कर रहे हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि शेड्यूलिंग किया जाता है बेस्ड ऑन दी बर्स्ट टाइम देख करके। बर्स्ट टाइम का मतलब होता है कि किसी प्रोसेस को, मान लीजिए प्रोसेस P1 है, इसको 5 मिलीसेकंड का टाइम मतलब रहे या 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। P2 है, इसको 10 सेकंड का टाइम लग रहा है। P3 है, इसे 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब होता है कि इस हिसाब से पहले P1 है, यही शॉर्टेस्ट है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से भी देखें तब भी P1 पहला है, तो ये एग्जीक्यूट होता। यहाँ पर प्रायोरिटी, अब यहाँ पर इस केस में क्या होता है कि प्रायोरिटी मेंटेन होता है। जैसे प्रोसेस P1 की प्रायोरिटी यहाँ पर हो सकता है 2 है, P2 की 1 है, तो पहले 1 एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिमटिव कहने का मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फोर्सिबली क्या करता है, CPU इस प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ये केवल राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में होता है, ऑप्शन 2, राउंड रॉबिन। तो यहाँ पर ऑप्शन में मैं देख रहा था कई लोगों का 3 भी है, तो जिन लोगों का 3 है उनका क्या सोच है, क्यों आंसर 3 कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, राउंड रॉबिन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 21 सबको दिख रहा है? देखिए प्रायोरिटी तो पहले से डिसाइड है ना, सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू उस प्रायोरिटी वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, देन ओनली अदर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। वो सिलेक्शन ऑफ जॉब ही प्रायोरिटी के आधार पर किया जा रहा है। देखिए प्रिमटिव का मतलब होता है कि सीपीयू अगर किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उसको छोड़ करके दूसरे पे एग्जीक्यूट कर देना, तो उसको हम कहेंगे प्रिमटिव। यहां पूछा गया आपसे व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस ऐसा नहीं होगा, कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या, देखिए यहां पर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस दो टाइप का होता है, एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस। क्या होता है? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस मतलब जो किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं है किसी चीज के लिए भी, मतलब ना तो किसी इनपुट के लिए, ना ही किसी इंपॉर्टेंट फाइल के लिए, मतलब व्हेन अ प्रोसेस इज नॉट डिपेंड अपॉन द अदर प्रोसेस फॉर एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एंड द सेकेंड टाइप इज कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कोऑपरेटिव प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस मतलब when execution of a process is affected by other process, मतलब जब एक प्रोसेस का जो कम्युनिकेशन, एक प्रोसेस है जिसका आउटपुट या इनपुट किसी भी चीज के लिए वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, या किसी भी इंपॉर्टेंट फाइल के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है,
जस्ट जस्ट वेट, ठीक है? तो थोड़ा सा अनवांटेड साउंड आ रहा है एक्चुअली मेरे उसके पास, घर के पास, तो मैनेजेबल है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं मैनेजेबल होगा तो हम देखेंगे कुछ करेंगे। ओके, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, अगर मेरा साउंड ठीक नहीं आएगा तो बताइएगा। ओके, यहाँ पर आपको समझना है कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब व्हेन अ प्रोसेस कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेस। व्हेन अ प्रोसेस कम्युनिकेट विद अनदर प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर एक बात समझना है आपको कि बाय शेयरिंग द डेटा अ प्रोसेस कैन शेयर डेटा टू द अदर प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस इज नोन एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक्स आर, बोथ वन एंड टू इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे अगर नो प्रिम्पशन है, नो प्रिम्पशन मतलब व्हेन अ प्रोसेस इज एलोकेटेड बाय अ प्रोसेस कैन नॉट बी प्रिम्प्टेड, मतलब उसको सीपीयू नहीं छोड़ेगा। अगर कोई सीपीयू किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे प्रोसेस पे जाएगा। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि व्हेन अ डिवाइस इज शेयर्ड बाय अ प्रोसेस। ठीक है, तो अ सिंगल डिवाइस मस्ट बी शेयर्ड बाय अ प्रोसेस।
प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस एक डिवाइस को एलोकेट करता है जो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। तो यहां पर बोथ वन एंड टू वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले ये था बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज फॉर द पर्पस, क्वेश्चन नंबर 22। ट्वेंटी टू का वन होगा आंसर, 23 का ऑप्शन सी होगा, मतलब ऑप्शन थ्री होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, प्रोग्राम प्रिम्पशन इज, प्रतिभा का क्वेश्चन है व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक इज अ सिचुएशन जहां पर एक प्रोसेस जिस डिवाइस या रिसोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है वो रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने एलोकेट किया हुआ है, और सिमिलरली जो एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस जिस रिसोर्स का वेट कर रहा है फॉर एग्जीक्यूशन, फिर कंप्लीट एग्जीक्यूशन वो पहले के द्वारा एलोकेटेड है। तो ऐसे में बोथ आर वेटिंग फॉर द रिसोर्सेज टू कंप्लीट, एंड दोनों रिसोर्सेज दूसरे के पास है, जो ए के पास होना चाहिए वो बी के पास है, जो बी के पास होना चाहिए वो ए के पास है। तो प्रोग्राम प्रिम्पशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 24, फोर्स डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर 24 सबको शो हो रहा है, कुछ लोगों को क्यों शो नहीं हो रहा है? प्रोग्राम प्रिम्पशन मतलब फोर्स्ड डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, मतलब सीपीयू क्या करता है, फोर्सिबली किसी प्रोग्राम को अलग हटा देना, मतलब उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, डी एलोकेट कर देता है, जिसे एलोकेट किया हुआ है उसे डी एलोकेट करता है, कर दिया है। तो यहां पर आपको समझना है फोर्स डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, ऑप्शन वन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट द स्टेट ऑफ द प्रोसेस, ब्लॉक्ड, रनिंग, रेडी, प्रिविलेज्ड, फोर इज राइट। प्रिविलेज्ड कोई स्टेट नहीं होता है, ब्लॉक्ड तो तब होता है ना जब वेटिंग स्टेट में होता है, जब वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस होता है उसे ब्लॉक्ड स्टेट कहा जाता है, जब वेटिंग स्टेट में, तो क्लियर है, जब वेटिंग स्टेट में कोई प्रोसेस होता है वो ब्लॉक्ड स्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ प्रोसेस इज डेड लॉक, अ सेट ऑफ प्रोसेस इज इन डेड लॉक इफ ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड वेट रिमेन सो फॉर एवर, ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर, नन ऑफ दी अबव, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर वन इज राइट, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। अगर कोई प्रोसेस है जो वेटिंग स्टेट में है और वेटिंग स्टेट में ही रह गया, मतलब जो रिसोर्सेस उसको चाहिए वो रिसोर्सेस उसे एलोकेट नहीं किया गया, एंड फॉर हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेस के कारण, मतलब रिसोर्सेस उसे अवेलेबल नहीं हुआ तो वो वेटिंग स्टेट में ही रह गया, तो उसी को हम कहेंगे डेडलॉक सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
kernel keep track of the state of each executing program by using a data structure is called. सबसे पहले आपको समझना है कि द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पर एक 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 लेयर देखिए, एक लेयर है जो लेयर यूजर से सिस्टम को इंटरेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, और यहाँ पर बीच में काम करता है शेल। बीच में क्या करता है? शेल काम करता है। शेल किस लिए? टू इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द, हम कह सकते हैं यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये क्या कर रहा है? इंटरफेस का काम कर रहा है। बट यहां पर कर्नल इज अ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। कर्नल क्या कर रहा है? कर्नल इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज वॉट? Application is a task, मतलब anything, any task or any program that is what? That is application. तो application and hardware के बीच में interface का काम कौन कर रहा है? Kernel कर रहा है। तो kernel keep track of the state of each executing program by using a data structure that is called process control block. इसे क्या कहा जाता है? Process control block कहा जाता है, PCB. तो वन इज राइट आंसर। ठीक है, तो शेल क्या होता है? इंटरफेस होता है शेल। जैसे अब ये क्या हो गया? इट कैन बी अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड इट कैन बी अ कमांड लाइन इंटरफेस। ये कोई एक इंटरफेस हो सकता है, आइदर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस इसी को कहा जाता है ना, CUI, जिसमें हम कमांड देते हैं और कमांड के थ्रू हमारा फंक्शन होता है, टास्क होता है। और GUI जहां पे हम क्या करते हैं? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं। ओके, तो कमांड के लिए क्या यूज होता है? फॉर कमांड, सेल इज यूज्ड फॉर कमांड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम हैज, अ सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम हैज। सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम, प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम हैज ओनली वन प्रोग्राम काउंटर। अगर सिंगल थ्रेड है तो वहां पे प्रोग्राम काउंटर क्या होगा? ओनली वन होगा। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया टू इवेल्युएट अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्राइटेरिया टू इवेल्युएट अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम? यहाँ पे पहला पॉइंट है सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो बेसिक पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग का मतलब पर्पस यही है कि व्हेन देयर आर मल्टीपल जॉब्स, व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस, देन इन द केस ऑफ मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑफ मोर नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड, मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, यही तो इंटेंशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो सीपी यूटिलाइजेशन मस्ट बी हाई, कीप सीपी यूटिलाइजेशन एज हाई एज पॉसिबल, तो ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्या? थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेस
completed per unit of time, that is throughput, waiting time, amount of time spent in ready to run but not running. तो वेटिंग टाइम जो होता है जो टाइम वेट करता है, तो यहां पर ऑल ऑफ द एबव इज अ राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड द वर्स्ट फिट एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर. द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर. आप लोगों में से एक महानुभाव थे, वो कह रहे थे कि सर ऐसे में तो 10 क्वेश्चन होगा, ये पता नहीं बोल रहे थे 20 है. भैया 30 तो हो गया. द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट एल्गोरिदम कैन बी यूज फॉर कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन. Used for contiguous memory allocation. Next question, CPU fetches the instruction from memory according to the value of. Question number 31. CPU fetches the instruction from the memory according to the program counter, value of program counter, because program counter keep address of next instruction, या program counter keep track of the next instruction. CPU fetches instruction from memory according to the value of program counter. तभी क्या होता है, program counter PC equal to PC plus plus. PC इक्वल टू PC प्लस 1, ये इंक्रीमेंट करता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फेच करता है. क्वेश्चन नंबर 29 को समझाइए, कोई हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं. देखिए यार 29 में क्या है, 29 में आपको समझना है कि जो शेड्यूलिंग होता है CPU का, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का पर्पस ये होता है कि यहाँ पर CPU की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो. ठीक है, तो ये जो होना चाहिए, ये आप में क्या होना चाहिए, CPU शेड्यूलिंग का क्या होना चाहिए, बेसिक जो है एल्गोरिदम का क्राइटेरिया होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इन टर्म ऑफ मिनिमाइजिंग द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ अ गिवन सेट ऑफ प्रोसेस इज. An optimal scheduling algorithm in terms of minimizing the average waiting time the given set of process is. कौन सा scheduling है? तो shortest job first scheduling. Average waiting time जो आता है shortest job first scheduling में सबसे कम आता है, और ये हम लोगों ने topic में पढ़ा भी था. Shortest job first scheduling में average waiting time क्या आता है, सबसे कम आता है. Next क्या है, A fill in the blanks is a software that manages the time of a microprocessor to ensure that all time critical events are processed as efficiently as possible. This software allows the system activities to be divided into multiple independent elements called tasks. मतलब हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा जो होता है, जो इंटरफेस का काम कर रहा है, जो शेल है, और एक इंटरनल हिस्सा है, वो है कर्नल. इंटरनल हिस्सा कर्नल एक ऐसा प्रोग्राम है जो 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 मैनेज कर रहा है हार्डवेयर को, इवन प्रोसेसर को मैनेज कर रहा है. तो अब आपको शेल और कर्नल में समझ में आ गया. यूजर के लिए जो इंटरफेस का काम कर रहा है वो शेल है. ठीक है, यूजर के लिए
जो इंटरफेस का काम कर रहा है वो क्या है? शेल है, और जो इंटरनल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे हम मेन पार्ट भी कहेंगे, वो कर्नल होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कर्नल। तो आंसर इज व्हाट? कर्नल, ऑप्शन वन इज राइट। ये थोड़ा क्लियर हुआ आप लोगों को? शेल एंड कर्नल का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा क्या, क्लियर ही हो गया होगा। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है डायरेक्टली। किससे इंटरेक्ट करता है? हार्डवेयर से। कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, कैसे टास्क एग्जीक्यूट कराना है, वो कर्नल का काम है। और यूजर से जस्ट इंटरेक्ट करना, यूजर अपना कमांड दे रहा है तो शेल के माध्यम से दे रहा है। यूजर का जो कमांड है वो किसके माध्यम से हो रहा है? शेल के माध्यम से वो कमांड दे रहा है। तो शेल इज नथिंग बट टू टेक कमांड्स, टू प्रोवाइड्स इंटरफेसेस, जैसे वो कमांड लाइन इंटरफेस हो सकता है या GUI हो सकता है। बट वंस द कमांड इज टेकन बाय शेल, इट इज गिवन टू द कर्नल। तो कर्नल क्या करेगा? कर्नल उसे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट, कर्नल उसे एग्जीक्यूट कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? कर्नल भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यस, ऑपरेटिंग द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, चाहे वो शेल हो या कर्नल हो, एवरीथिंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव।